व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड फर्स्ट थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उस लाल बटन को, सब्सक्राइब वाले बटन को ग्रे कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड गाइस, सेकंड थिंग, आप लोग ये जी सोच रहे होंगे कि मैं इसे एक वीडियो में खत्म क्यों कर रहा हूँ। गाइस, ये एक फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है जो कि घर में, जो घर की चीज़ों से जो आप कर सकते हो, इसलिए इसकी कोई पूरी सीरीज बनाने का कोई मतलब नहीं बैठता। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट जो आपको रोज फॉलो करना होता है। तो हम लोग अपने पर बॉडी पार्ट को एक एक दो दो एक्सरसाइज से टारगेट करेंगे। एंड इसमें हम लोग एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमको वेट से ज़्यादा रेप्स पर ध्यान लगाना है। अब जितना फेलियर कर सकते हो उस तक जाना है, बाकी जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, एक अलग सी वीडियो बना के मैं इस पर जरूर डालूंगा। भाई, बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमारी रहेगी पुश अप, जिसको लोग पुश डाउन भी बोलते हैं कुछ लोग। सो जो लोग बिगेनर्स हैं वो लोग नॉर्मली कर सकते हैं जैसे नॉर्मल पोजीशन में होती है, लेकिन जो लोग अपना वेट, जो अपना बॉडी वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो लोग ऐसे वेट को यूज़ कर सकते हैं। एक बैक पैक आपके सबके घर में ऑब्वियसली होगा, एक नॉर्मल स्कूल एंड कॉलेज बैक पैक है और इसमें मेरी सारी बुक्स हैं। तो जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा वेट वगैरह मैनेज करना। तो जैसा कि ये होम वर्कआउट है, इसमें आपके पास ज़्यादा वेट है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको धीरे 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 करके अपना वेट बढ़ाना है, या फिर आप वेट कॉन्स्टेंट भी रख सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है, लेकिन सेट कम से कम अपने 5 रखना और वेट जितना हैवी कर सकते हो उतना हैवी करना। इसमें आप लोगों को कोई भी आपके रैप का टारगेट नहीं दूंगा, आपके जो रैप्स रहेंगे वो आपके फेलियर तक रहेंगे, जितना मार सकते हो उतना लगाओ। क्योंकि मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, आप अभी एक होम वर्कआउट में हो, कोई जिम में आपके पास नहीं है, तो अपने जो रैप्स हैं उसको फेलियर तक लेके जाओ। तो ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि रहेगी फ्लैट पे। अब उसके बाद हम लोग इंक्रीज कर लेंगे उसे इंक्लाइन पे, जो कि हमारे अपर चेस्ट को बहुत अच्छे से टारगेट करता है। एंड अगेन सेम चीज़, 5 सेट्स और सारे के सारे फेलियर। अब हमारी मिडिल और अपर चेस्ट के बाद जो हमारी बारी आती है वो आ जाती है हमारे शोल्डर्स की, जिसके लिए हम लोग सेम वेट यूज़ करेंगे। आप लोग वेट बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि अगेन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि होम वर्कआउट कोई जिम नहीं है। तो शोल्डर की सारी एक्सरसाइज इन 3, 2, 1। के भी हमको सेम परफॉर्म करने हैं 5 सेट सारे के सारे फेलियर में। अभी शोल्डर के बाद अब हम मूव करते हैं अपने आर्म्स पे। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी हो गई है हमारे लेफ्ट और राइट आर्म के बाइसेप। अब इसमें आप लोग जो वेरिएशन है वो अपने अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको किस तरह से अच्छा पंप आता है। इसके भी 5 सेट सारे के सारे फेलियर रखने हैं और जितना स्लो हो सके उतना स्लो लाना है, ताकि अच्छा प्रेशर, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आप लोग अपने मसल में ले। एंड हमारी बाइसेप मसल टारगेट करने के बाद अब हमारी चांस आती है हमारे ट्राइसेप मसल की। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम वेट लेंगे अपने हेड के ऊपर। अगर आपने कभी जिम में डंबल से ट्राइसेप पर ये वाला वर्कआउट किया तो आप लोग समझ जाओगे, अगर जो लोग नहीं समझे स्टिल, अपने हाथ को 90 डिग्रीज पर रखो, यहाँ टेक इट डाउन एंड अप। आपको कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे फील होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज की थोड़ी सी अपनी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ अपनी एनर्जी लूज करो। सेम वेट के साथ इसी एक्सरसाइज को शिफ्ट कर देंगे इनटू अ किक बैक। बैक पे अपनी अच्छे से एकदम ग्रिप बना लो।
हैंड को एकदम स्ट्रेट एंड इसको पीछे पुश करो। अगर आपका हाथ पूरी तरह सीधा नहीं रह पाता है कोई इशू नहीं है, आपको जस्ट अपने ट्राइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए, वो पेन फील होना चाहिए। हमारी अपर बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारा एक पार्ट रह रहा है दैट इज आवर फोरआर्म, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको अभी बताता हूँ। 90 डिग्रीज पर रखो, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, रिस्ट को एकदम ढीला छोड़ के मूव इट अप। ये तो खत्म होता है हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी वर्कआउट बताए जो कि आप होम इक्विपमेंट से यूज करके कर सकते हो। और जहां तक बात रही एब्स की, मैं एब्स अभी खुद अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहा हूं, तो जब मेरे को उसके अच्छे से नॉलेज हो जाएगी मैं वो भी चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर छोटे से रिकैप में, मैंने यूज किया वेट के लिए एक बैकपैक, सेट्स रखे मैंने 5 और उसको मैं एकदम फेलियर तक लेके गया हूं, क्योंकि अगेन हमारे पास उतना वेट है नहीं, तो हम लोग अपने रेप्स को बढ़ाकर एकदम फेलियर तक लेके जाकर अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें एक अच्छा पंप ला सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस। एंड अपोज इसके लिए मैं इसको एंड मैं इंकता हूं, इससे ऊपर मेरे को थोड़ा वो कहते ना अनकंफर्टेबल सा हो जाता है।